पठानकोट से सटे जुगियाल के दुकानदारों ने पीने की पानी की समस्या को लेकर रोष जाहिर किया। दुकानदारों का कहना है कि पिछले कई महीनों से वे लोग पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन को भी कई बार बताया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। मेरा नाम कृष्ण ठाकुर इंटू है, मैं जुगियाल का वासी हूँ। सर किस समस्या आ रही है तुम्हें? समस्या आ रही है कृष्णा, मेरी साड़ी मार्केट बनी है, घट्टो घट 70 दुकाना है यहाँ। हर महीने किराया भी जाता है, बिजली का बिल भी जाता है, पर इतने पानी की बहुत समस्या है। महकमे ने बहुत बार सूचित किया, महकमे पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि पानी की हर बंद जरूरत होंगी, हर दुकानदार को जरूरत है, पर इतने पानी की कोई समस्या का हल नहीं किया जा रहा। साड़ी प्रशासन अगर यही गुजारिश है कि जितने बत्ती का बिल लिता जा रहा है, किराया रेल पानी भी दिता जाए तो वह भी बिल लिता जाए। मेरा नाम परसोतम लाल जी। सर कितने दिन रहने लगे? हां 3 दिन। किस समस्या आ रही सर? समस्या पानी दी है। पानी लेके किस समस्या आ रही? पानी दी आई भी खोखा मार्केट है, इतने ही पेपर नाल हो के पाई है, तो उस तो बाद इन्हें पानी बंद करता है। कितनी देर तो पानी नहीं आया? 2-3 महीने हो गए। कोई शिकायत वगैरह कराई थी? कंप्लेंट? हां जी, एप्लीकेशन लिखाई है। की कहना उन्होंने अगे? अगे उनका कोई जवाब नहीं, पैसा कल तक हल कर देंगे। आज कितनी देर हो गए पानी नहीं आने? 2 महीने हो गए। जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप शरिया जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।